हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग सीसीसी क्रिएटिव क्राफ्ट्स एंड कुकिंग बाय प्रिया। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यमी गार्लिक ब्रेड, बिल्कुल डोमिनोज स्टाइल गार्लिक ब्रेड आज हम बनाएंगे घर में। एंड आई एम डैम श्योर कि आपको मेरा आज का ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आएगा। अब आपको मार्केट जाने की जरूरत नहीं है, आप घर में ही इस टाइप से गार्लिक ब्रेड बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है, खाने में बहुत टेस्टी होता है और देख तो आप सकते ही हैं, बिल्कुल लग रहा है ना वही डोमिनोज स्टाइल। और सबसे खास बात, आज हम इसको बनाएंगे विदाउट ईस्ट। जनरली होता क्या है कि आप बनाना चाहते हैं लेकिन आपके पास ईस्ट अवेलेबल नहीं होता है, तो आज विदाउट ईस्ट आप देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट स्टाइल डोमिनोज गार्लिक ब्रेड। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपके राइट हैंड साइड में दिया हुआ है ये सब्सक्राइब बटन, इस पर क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका मैसेज सबसे पहले आपके पास आए। उसके लिए जरूरी है कि आप बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस करें। वीडियो पसंद आ जाए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल फ्री है, आप बेफिक्र होकर इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करें हमारा आज के वीडियो। डोमिनोज स्टाइल चीजी गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ली है लहसुन की कलियां। लगभग 20 से 25 लहसुन की कलियां आपको लेनी है क्योंकि गार्लिक ब्रेड बना रहे हैं तो गार्लिक तो काफी सारी पड़ेगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर गार्लिक को अच्छे से चॉप कर लिया है। इस तरीके से आप चाहें तो बारीक बारीक चॉप भी कर सकते हैं, नहीं तो काट भी सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप मैदा और 1 छलनी रख ली है ताकि इसको अच्छे से सीव कर पाए। उसके बाद मैं यहाँ पर 1/4 कप मिल्क लूँगी, उसमें आधा नींबू ऐड कर दूँगी ताकि ये बटर मिल्क बन जाए। उसके बाद हम यहाँ पर मैदा में ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, साथ में ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। उसके बाद चुटकी भर नमक इसमें ऐड कर दीजिए और इन सब चीज़ों को अच्छे से छान लीजिए ताकि आपकी मैदा में कोई भी लम्स ना रहें। जब मैदा अच्छे से छन जाए उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 4 टेबलस्पून दही, क्योंकि हम मैदा को विदाउट ईस्ट लगा रहे हैं तो दही ऐड करना ज़रूरी है। साथ में 1/2 स्पून ऐड की है शुगर। उसके बाद ऐड कीजिए 1 स्पून गार्लिक जो हमने चॉप करके रखी हुई थी। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसी स्टेज पर आपको इसमें 1 इनो का पैकेट ऐड कर देना है। मैं यहाँ पर भूल गई थी तो इसलिए मैंने इसके मिड में यहाँ पर इनो का पैकेट ऐड किया है। अगर आप भी मेरी तरह भूल जाते हैं तो इस तरीके से आप इनो ऐड करके उस पर हल्का सा मिल्क ऐड कीजिए और उसके बाद मैदा को लगा लीजिए। उसके बाद हल्का सा ऑयल लगाकर मैदा को इस तरीके से आपको रख देना है कम से कम आधा घंटा रेस्ट करने के लिए ताकि हमारी मैदा अच्छे से फूल जाए और इसके अंदर अच्छा सा फर्मेंटेशन हो जाए, क्योंकि ईस्ट के बिना बना रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। यहाँ पर मैंने इसको लगभग आधे घंटे के लिए ऐसे ही ढककर रख दिया था। अब हम करते हैं अपनी बाकी की प्रिपरेशन। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 4 स्पून बटर, क्योंकि गार्लिक ब्रेड है तो इसलिए बटर की इसमें रिक्वायरमेंट ज़रूर होगी और उसी से काफ़ी अच्छा सा टेस्ट भी आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड करना है थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, उसके साथ आपको ऐड करना है ओरिगैनो, क्योंकि हम बना रहे हैं डोमिनोज स्टाइल तो ओरिगैनो के बिना आपको इसका मार्केट वाला टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। ओरिगैनो ज़रूर ऐड कर दीजिएगा, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। साथ में ऐड कीजिए लगभग 2 से 3 स्पून गार्लिक जिसको हमने चॉप करके रखा हुआ था और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। थोड़े से बड़े बोल में इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आपको बटर रूम टेम्परेचर पर लेकर आना है क्योंकि अगर बटर हार्ड होगा तो ये अच्छे से स्प्रेड नहीं हो पाएगा। तो आप देख सकते हैं बटर ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुका है, हमको इसकी यही कंसिस्टेंसी चाहिए। तो अब यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ चीज़, ये आपको मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाता है। इसको मैं इस टाइप से ग्रेट कर लूँगी क्योंकि हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं चीज़ का, तभी हमारा गार्लिक ब्रेड बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनेगा। यहाँ पर हमारी मैदा भी अच्छे से फर्मेंट हो चुकी है। आधे घंटे के बाद मैंने इसमें से 2 बड़ी-बड़ी लोई तोड़ ली हैं क्योंकि हमको बनाना है गार्लिक ब्रेड, इसलिए मैंने इसको अच्छे से इस टाइप से रोल कर लिया है। इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं, ज़्यादा थिक ना रखें, इस टाइप की थिकनेस आपको रखनी है। उसके बाद जब ये अच्छे से रोल हो जाए हमें इसको एक प्लेट में बेक करना होगा। ओवन का यूज़ नहीं करेंगे, हम बनाएंगे घर का ही ओवन। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ वेजीज ली हैं, लाइक प्याज ली है, कैप्सिकम ली है, टमाटर लिए हैं, सभी को डीसीडेड कर दिया है। मीन जितने भी बीज थे टमाटर में, शिमला मिर्च में, वो सब कुछ निकाल दिए हैं। जो बटर अभी हमने बनाकर रखा हुआ था जिसमें हमने अपनी सभी टॉपिंग्स मिक्स की हैं, वो हमने इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दिया है ताकि इसका काफ़ी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अब उसके बाद मैं सबसे पहले स्प्रेड करूँगी चीज़।
आपको इसके ऊपर वही टॉपिंग्स स्प्रेड करनी है जो आप पिज्जा के ऊपर स्प्रेड करते हैं। आपके पास जितनी भी टॉपिंग्स अवेलेबल हो आप उसके अकॉर्डिंग इसको ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास कैप्सिकम, प्याज, टमाटर और कॉर्न थे तो मैंने वही ऐड किया है। अगर आपके पास ऑलिव्स भी हैं तो आप ऑलिव्स भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से सारी की सारी टॉपिंग्स ऐड करने के बाद आपको इसे अच्छे से फोल्ड कर देना है। कुछ इस तरीके से आप इसको फोल्ड कर दीजिए और जो इसके कॉर्नर्स हैं उसको अच्छे से प्रेस कर दीजिए ताकि ये बिल्कुल भी बाहर ना निकले, इसकी स्टफिंग्स बिल्कुल भी बाहर ना निकले। उसके बाद जो हमने बटर बनाकर रखा हुआ था उसको अच्छे से ऊपर से ग्रीस कर दीजिए ताकि इसका लुक ऊपर से देखने में भी अच्छा है और ये अच्छे से बेक हो जाए। उसके बाद हम इस पर लगा देंगे कट्स, जैसे कि हमें मार्केट में लगे हुए बनते हैं, और इसकी हेल्प से आप इसके पीसेस कट भी कर सकते हैं। जिस प्लेट को हमने ग्रीस करके रखा हुआ था उस प्लेट में हमने इस गार्लिक ब्रेड को रख दिया है। उसके बाद हल्की सी टॉपिंग्स ऊपर से स्प्रेड कर दीजिए ताकि देखने में भी अच्छा लगे और टेस्ट तो अच्छा आएगा ही आएगा। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली थी, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया था। सॉल्ट मेरा ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है इसलिए इसका कलर इस टाइप से है। 10 मिनट तक प्री हीट कर लिया था। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुकी है तो इस स्टेज पर जिस प्लेट में हमने गार्लिक ब्रेड बनाकर रखा हुआ था उसको ऐड कर देंगे और इसको अगेन इस टाइप से ढक देंगे। लगभग 30 से 40 मिनट तक आपको इसे ऐसे ही पकाना है। एंड जस्ट लुक एट दिस, वाओ, आ गया ना बिल्कुल वही वाला टेक्सचर जैसे कि मार्केट में मिलता है, डोमिनोज में मिलता है। देखने में बहुत ही ज़्यादा यमी लग रहा है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आपको मैं इसको कट करके दिखाती हूँ। जस्ट लुक एट दिस, वाओ, इट्स लुकिंग सो यमी। तो अगर आपको मेरा आज का ये इनोवेटिव सा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। एक बार अपने घर पर बनाएं, आपको तारीफ ना मिले तो कह दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत ही सिंपल था ना इसको बनाना ईस्ट के बिना भी। तो इस टाइप की और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज मिलेंगी आपको मेरे चैनल पर। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।